चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में, ठीक है, साइंस। तो इसमें हम लोग 8 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 7 चैप्टर खत्म, 8वां चैप्टर हमें देखना है। क्या देखना है? शरीर में गति। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, इन सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे, वो है आपकी NCERT पूर्ण कवरेज के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। शरीर में गति याद रखिए यार, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वही बोलूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए, फिर चाहे आप लोग कहीं से डाउनलोड करके या खरीद के, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है समझाने लायक, बता रहा हूँ ना, एक कहानी की तरह है। और अगर आप एक दो बार सुनेंगे या पढ़ेंगे, आराम से आपको कॉन्सेप्ट जो भी आपके क्लियर हैं वो हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाती ही होंगे। श्वास सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपने नोटबुक में लिखते हैं, तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं, तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों के आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो इस स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर या दौड़कर या फिर कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों, अभिभावकों के साथ चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है, मछली तैरती है? जैसे गाय गाय पैर से चलती है, मनुष्य भी पैर से चलता है, सांप आपका संपूर्ण शरीर रेंगकर, पक्षी आपका उड़कर, कीट भी आपका उड़कर चलता है, पैर से भी चलता है, ठीक है, मछली आपकी तैरकर। मानव शरीर एक एवं इनकी इसकी गतियां। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनके उनसे कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए, अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए, इस प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, अपने हाथों को अपने फार्स में सीधा तानिए, भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा है? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट करना है। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों होते हैं? क्रियाकलाप एक, पता है आपको, इसमें आपका प्रयोगशाला की तरह समझाया गया है। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाए गए स्थिति में रखिए, जिसके आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपने कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या इसे मोड़ पाते हैं? नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर
कि विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां दो हिस्सों का एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन। क्या आपने ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। देखिए, संधि की परिभाषा बताने के लिए कितनी कहानी सुनाई गई हमें। जहां हमारा जुड़ा रहता है, जो हिस्सा हमारा दो हिस्से आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी स्थान की गति करना संभव होता? बिल्कुल नहीं। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी अंगुली द्वारा, अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली, पादांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी अंगुली किसी कठोर कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचना अस्थियां है आपकी। एक कठोर अस्थियां संरचना आपकी क्या है? अस्थियां। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां हैं कि जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता है, तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते? ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एक विभिन्न एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए हम कुछ संधियों के बारे में जानते। कंदुक खल्लिका संधि। कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि 8-2 में दर्शाया गया। अब कागज के बेलन इस तरह 8-2 में दर्शाया गया को गेंद पर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है। इस प्रकार क्या आप इन गतियों में उपयुक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? ये श्रेणी अस्थि है, ये आपकी दिख रही कंदुक खल्ली का संधि है, ये आपकी जानकी अस्थि है। इस अनुभाग में प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा की गई गतियों का स्मरण कीजिए। फिर बात करते हैं दुरांग संधि। दुराग संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि आपकी दुराग संधि। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यदि गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकती थी। दुराग संधि में बेलनाकार स्थिति एक छल्ले में घूमती है। दुराग संधि ये आपके ठीक है। फिर है आपकी हिंजे संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है। आइए कब्जे की इस गति के प्रकार को देखते हैं। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए, जैसा कि चित्र 5 में बनाया गया। किसमें? चित्र 8.5 में। इस प्रकार चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लीजिए, उसको एक प्रकार जोड़िए कि आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन कुशलता से घुमाए जा सकते हैं जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। ठीक, चित्र 8.5 में जो कुछ हमने बनाया है वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिंज
कब्जा संधि होती है जिसमें जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप इस भी संधि के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? घुटने की हिंज संधि, ये आपकी घुटने की हिंज संधि है। अब बात करते हैं अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। अब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। ठीक, हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारे शरीर अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। मैं बता रहा हूं ना कि एक परिभाषा, एक शब्द की परिभाषा देने के लिए उसे कहानी का रूप दे दिया गया है जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। देखिए कंकाल की परिभाषा कितने अच्छे शब्दों में दी गई है। क्या दी गई है? शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण किया गया है। इस ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव का कंकाल है कि आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृतियों के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उसका उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। यह है मानव कंकाल। क्या कभी आपको अपने आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिन्हें उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले या ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कहनी की अस्थियां ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना करें। टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे चित्र इस प्रकार होते हैं। ठीक, तुलना करें। प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेलियों के पीछे भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें हम लोग कार्पेल कहते हैं। यदि अपने आप इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? हाथ की अंगुलियां हैं। ठीक, गहरी सांस भरकर से कुछ समय तक रोके रहिए। अपने बक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाए दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां वो आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। ध्यान रहे कि 8-10 को ध्यान से देखिए। वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं यह आपकी पसली फिंजर की पसलियां विशेष रूप से जुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक वक्षे की रचना करती है। इस शंकु रूपी वक्षे को हम लोग पसली पिंजर कहते हैं। इसे वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ तक नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना को मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे हम लोग कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वह क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपके मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए।
उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। ये है आपकी कंधे की अस्थियां। यह संरचना श्रेणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना है जहां आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ सकते हैं। ये है श्रोणी अस्थियां। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अतिरिक्त अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती हैं। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होती, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। हम लोग उन्हें उपास्थि कहते हैं। उपास्थि थी, ठीक है। देखिए उपास्थि की परिभाषा। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का भाग अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने का कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ है? क्या आपको ऐसा लगा है कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना आपकी कर्णपाली है? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है आपकी। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बना सकते हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों और उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका भी पता लगाते हैं। हमने एक हाथ की मुट्ठी बनाई है। मुट्ठी के अंगूठे से एक इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। इस तरह अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूक कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे हम लोग पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है काम? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार की संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की सब की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपने पूर्व स्थिति में खींचती है। जब पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है तो पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। जंतुओं की चाल। केंचुआ। बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुओ को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल किसी चिकनी सतह पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुओ की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किसी पर केंचुए आसान से चल सकते हैं। ये आपका केंचुआ। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करता है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्चभाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद यह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्चभाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्चभाग को आगे की ओर खींचता है।
इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ की इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। किसे? केंचुए को। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन में किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थों का को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किए गए यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। अब बात करते हैं घोंघा। किसी बगीचे में घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे हम लोग कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं है होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। यह आपका घोंघा। घोंघे की कांच को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर अपने उसके मोटी मांसल संरचना का सिर बाहर आते देखा हुए। मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक ओर सा झुकाइए। पाद पैर को लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति के से तीव्र अथवा धीमी है? फिर बात करते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टा। किसी कॉकरोच तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चलता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। यह आपका तिलचट्टा। वक्ष में दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों पर परों को गति देती हैं। फिर बात करते हैं पक्षी। क्रियाकलाप 8 में देखते हैं इसे। पक्षी का। पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। वथक तथा हंस जैसे कुछ पक्षियां जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। फर्स्ट पाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। यह पंख पक्षी का कंकाल। ठीक है, अब बात करते हैं मछली की। कागज का एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर हो। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाता है? इस तरह। ठीक है, अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को हम लोग धारा रेखीय कहलाती है। इसमें फिर बोल रहा कि कुछ भी समझाने लायक नहीं है। अब देखिए, धारा रेखीय गति परिभाषित कर दी उन्होंने, एक कहानी का रूप दे दिया उन्होंने, जो भी कक्षा 8वीं तक की आपकी एनसीईआरटी है इन सभी को। इसकी विशेष शक्ति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है। मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। इस तरह अनुसार मछली शरीर को मोड़ती है, जो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल
चली जाती है। इस प्रकार की किण्वित ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में सहायता उसकी करते हैं। ठीक है, मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने के लिए एक दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष आरित पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। बात करते हैं सर्प के बारे में। किसके? सर्प, सांप। सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां छीड़ एवं आसंग होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक बलय में जुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक बलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक बलय बनाता है। इस प्रकार बलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। ठीक है, यह है आपका सांप। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पहली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ग्रेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप को ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? या विभिन्न अंग उन जंतुओं की विषय गति में किस प्रकार सहायक होते हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानता एवं विभिन्नता होती है? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के दो पैर, गाय और भैंस के चार पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं। क्या हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग है? इतने अधिक प्रश्न हैं। संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। देख लेते हैं ये क्या है। बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठ पाते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बच जाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं, जो अधिकतर बुजुर्गों में लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसान ऐसे हैं जिसे एक शिक्षक व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। चलिए, इसमें हम लोगों ने जो अध्याय देखा है, इसमें प्रयुक्त शब्दों की क्या क्या देखा है। मेरुदंड को भी देखा है, कंदुक खल्लिका संधि को देखा है, सूप को देखा है, उपास्थि को देखा है, गुहिका को देखा है, अचल संधि को देखा है, जंतुओं की चाल देखी है, विभिन्न हिंज संधि देखी है, पेशी देखी है, वाह्य कंकाल देखा है, श्रोणी अस्थियां देखी है, दुराग्य संधि देखी है, फसली पिंजर देखा है, कंधे की अस्थियां देखी है, कंकाल देखा है, धारा रेखीय देखा है। पता है, यही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें सलाह दी जाती है कि NCERT कक्षा 6वीं से पढ़िए, जिससे आपको इन शब्दों की परिभाषा को पता चल सके। ठीक है, आखिर ये है क्या, इसका अब ये सारांश दिया गया इस पुस्तक में। मुझे ये अच्छा लगता है कि सारांश बाद में मैन दे दिया। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, जैसे शरीर का पिंजर बनाता है और उसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों में से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति, गति, दिशा पर निर्भर करती हैं। पक्षियों को दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियों मिलकर उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं।
मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां और उनकी जुड़ी हुई पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर के अध सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़कर बनाने में सहायक है। घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, देख लेना ने? याद रखिए आपकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है? तो ये आपका 8वां चैप्टर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे सजीव की विशेषताएं एवं आवास के बारे में, 9वां चैप्टर।